सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल ऑफ सम पढ़ा, रूल ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा, ये देखा कि रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट इज इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द रूल ऑफ सम, और फिर उसके बाद रूल ऑफ सम में जो वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हो, उन वैल्यूज को यूज करते हुए यू फाइंड रूल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या रूल ऑफ प्रोडक्ट में हमें जो चीज चाहिए होती है दैट इज वेज, वो आप फाइनली आइडेंटिफाई कर पाते हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा परम्यूटेशंस को, और परम्यूटेशंस में मैंने सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताई, फिर फॉर्मूला बताया। डेफिनेशन में हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आप कह सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ क्या एग्जैक्ट वर्ड था वो, लेट मी रिवाइज इट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और एक जो और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड, दैट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन, कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन में परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एन पी आर। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉट इज एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड वॉट इज आर, आर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू आर हैव सिलेक्टेड या यू आर यूजिंग एट वन टाइम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वाली, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है वो, ये आप देख सकते हो, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, नहीं ये नहीं थी, दिस वन, इन हाउ मैनी वेज अ बंच ऑफ सिक्स डिफरेंट कार्ड्स कैन बी परम्यूटेटेड। कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि आपके पास छह कार्ड्स हैं, और क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि इन सिक्स कार्ड्स को कितनी दफा परम्यूट किया जा सकता है या परम्यूटेटेड किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था गिवन स्टेटमेंट से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एन और आर की वैल्यू डिफरेंट है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा कि हमारी एन और आर की वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ बंच ऑफ डिफरेंट कार्ड, डिफरेंट सिक्स कार्ड्स कैन बी परम्यूटेटेड। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास टोटल कार्ड्स भी सिक्स है, और छह के छह कार्ड्स को इकट्ठा यूज करना है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास एन की और आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल एक नजर देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज, यहां से मैं रीड कर रही हूँ प्रॉब्लम टू से, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड रीडर कैन बी अरेंज्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास एक वर्ड है रीडर, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि इस वर्ड को आप कितनी दफा रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वर्ड अपॉर्चुनिटी, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वर्ड डिस्क्रीट, या अगर आपके पास एक वर्ड हो मैथमेटिक्स, तो उसमें जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं उसको आप कितनी दफा रीअरेंज करके उस वर्ड को बार 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 लिख सकते हो। इसका यही मतलब है, रीडर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आस्क्ड है, तो रीडर वर्ड के अल्फाबेट्स को चेंज करके आप कितनी दफा इस वर्ड को दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, इसका सोल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं, देयर आर सिक्स लेटर्स। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास जो वर्ड होगा उसके लेटर्स को काउंट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीडर है, तो इसके कितने अल्फाबेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और वर्ड दूंगी, तो आप लोगों ने उस वर्ड को, उस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं उसको काउंट कर लेना है, नंबर वन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि उसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमारे पास रीडर वर्ड है, तो इसमें आर दो दफा रिपीट हो रहा है, इसमें ई दो दफा रिपीट हो रहा है, इसमें ए एक दफा रिपीट हो रहा है, और डी भी एक दफा ही यूज हो रहा है। एग्री, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, दो दफा ई इस्तेमाल हो रहा है, एक दफा ए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक दफा डी इस्तेमाल हो रहा है, और दो दफा आर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एन और आर की वैल्यू डिफरेंट है। कैसे, एन और आर की वैल्यू ऐसे डिफरेंट है कि एन की वैल्यू हमारे पास सिक्स है, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, सिक्स, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, सिक्स।
इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा विजिबल हो। हाँ, आई थिंक अब आपके लिए क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि 6 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये था। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक 6 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि एन फैक्टोरियल न्यूमिरेटर में था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये सारे हमारे पास डिजिट्स कहाँ से आए? ये 2 आया हमारा आर से। ठीक है, कि हमारे पास आर रिपीट हो रहा है। ये 1 आया हमारा ए से, और ये 1 आया हमारा डी से, और ये 1 आया हमारा ई से, कि हमारे पास ई भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग एक सवाल पूछ रहे होंगे कि इसमें ई और आई और ए, क्या ये वैल्यूज हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं? जैसे हम लोग पहले 1 ए लिख लेते हैं और 1 डी लिख लेते हैं, फिर हम 2 आर लिख लेते हैं, फिर 2 आर लिख लेते हैं। तो यस, दिस इज पॉसिबल, आप कर सकते हो चेंज। ठीक है, तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 180। तो हमें ये फाइंड आउट किया कि हमारा ये जो वर्ड है रीडर, इसको हम 180 टाइम्स परम्यूट कर सकते हैं, या दिस वर्ड रीडर कैन बी परम्यूटेटेड अबाउट 180 टाइम्स। ठीक है, तो यू स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हमें परम्यूटेशन हेल्प कर रहा है कि वो काम जो हमें 180 टाइम्स करके आइडेंटिफाई करना था कि इतनी दफा हो सकता है, हम एक सिंपल फॉर्मूला दैट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल आप लगा रहे हो, और यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है जिसमें वो कह रहे हैं हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी वर्ड ऑरेंज इज अरेंज्ड एंड इन सच अ मैनर दैट द इवन पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द कंसोनेंट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इवन इवन पोजीशंस आपके पास स्टूडेंट्स कौन सी होती है, इवन नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा हमारे पास जितने अल्फाबेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले उसने क्या किया है कि उसने कॉन्सोनेंट्स हमारे सारे आइडेंटिफाई कर लिए। ये करने का क्या मतलब था? क्योंकि क्वेश्चन है, हमें ये पूछा गया था कि हम ऑरेंज वर्ड को इस मैनर में कैसे अरेंज करें कि इवन पोजीशंस के ऊपर, इवन पोजीशंस का मतलब यह है कि दूसरी, चौथी और सिक्स्थ, जो सिक्स्थ पोजीशन है यानी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें उसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स हमारे पास जितने भी थे ऑरेंज वर्ड में वो सारे फाइंड आउट कर लिए। तो हमें देख के ए ई आई ओ यू इन सारे वर्ड्स को निकाल के हमने देखा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने बचते हैं? 3। ठीक हो गया, ओ भी हमारे पास वोवल है, आर फर्स्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है दैट इज आर, सेकंड हमारे पास कॉन्सोनेंट है एन, थर्ड है जी। ठीक है, तो कितने हमारे पास फाइंड हुए कॉन्सोनेंट्स? 3। और वोवल्स इसके अंदर बेटा कितने मौजूद हैं? 1, 2, 3। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस चेंज करके अगर आपसे पूछा जाता कि ऑरेंज वर्ड के अंदर वोवल्स कितने मौजूद हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए था कि ओ एक वोवल है, ए वोवल है और ई वोवल है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं इस वर्ड के अंदर? आर, एन और जी। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स आपको इस तरह का कुछ सवाल दिया जाए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि कॉन्सोनेंट और वोवल में फर्क क्या है, कौन से अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से अल्फाबेट्स वोवल्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? द कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड देमसेल्व्स इन, मतलब वो खुद से। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और चीज समझ ली है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। कैसे चेंज किया गया है? कि यहाँ पे उसने क्या फाइंड आउट करने को आपको कहा है? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। तो बच्चों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अल्फाबेट्स आपने ऑरेंज के नहीं लिखने, आपने कॉन्सोनेंट्स के ही टोटल अल्फाबेट जितने हैं वो लिखने हैं। ठीक है,
और फाइंड आउट भी आपने क्योंकि कॉन्सोनेंट्स करने हैं इसलिए आपकी एन की वैल्यू भी 3 आएगी और आपकी जो आर की वैल्यू है वो भी 3 आएगी। आई रिपीट, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एन की वैल्यू में तो ऑरेंज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ओ आर ए एन जी ई, 6 अल्फाबेट्स होते हैं राइट। तो ऑरेंज वर्ड में जब 6 अल्फाबेट्स होते हैं तो हमें एन की वैल्यू में 6 लिखना चाहिए था और आर की वैल्यू में 3 लिखना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, आपके पास टोटल नंबर बेसिकली आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 3, और आपने फाइंड आउट भी कॉन्सोनेंट्स ही करने हैं तो इसलिए हमारे पास एन की वैल्यू भी जो है वो 3 आएगी और आर की वैल्यू भी 3 आएगी। और जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट होगी वैल्यू, और 3 फैक्टोरियल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना एन और आर की वैल्यूज में। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 6 थे तो इसलिए हमें जो है वो एन की वैल्यू 6 लिखनी चाहिए थी, आर की वैल्यू 3 लिखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हम कॉन्सोनेंट्स को ही अरेंज करना चाह रहे हैं और पोजीशन भी इवन है, तो इवन पोजीशंस इसमें कितनी आएगी, क्योंकि हमारे पास 6 अल्फाबेट्स है तो इवन पोजीशंस हमारे पास 3 आएंगी। कैसे, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल करके पूछा गया है। देखो सबसे पहले चीज जो आपने समझनी है वो ये कि एक वर्ड है आपके पास ऑरेंज, ठीक है। उस ऑरेंज वर्ड को सबसे पहले अगर आपने उसके टोटल अल्फाबेट्स गिन लिए, तो वैसे तो इस क्वेश्चन में टोटल अल्फाबेट्स गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इवन पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसके टोटल अल्फाबेट्स अगर गिने तो वो कितने बनते हैं, 6। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला काम जिस जो रिक्वायर्ड है जो आपने करना है वो ये कि आपने देखना है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। अब स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ए ई आई ओ और यू, इन अल्फाबेट्स को छोड़ के बकाया जितने अल्फाबेट्स हैं एबीसी में वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। आई रिपीट, ए ई आई ओ यू, ये सारे अल्फाबेट्स छोड़ के रिमेनिंग जितने अल्फाबेट्स हैं एबीसी में वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम ऑरेंज वर्ड को एनालाइज करके ये डिटरमिन करते हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो ओ एक वॉवल है इसलिए इसे छोड़ देंगे, आर आर एक कॉन्सोनेंट है, ए ए एक वॉवल है, एन एन एक कॉन्सोनेंट है, जी जी एक कॉन्सोनेंट है, और ई ई इज अ वॉवल। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या किया स्टूडेंट्स कि इसके अंदर 3 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि एन की वैल्यू 6 लिखनी चाहिए थी, एन की वैल्यू 3 क्यों लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 3 जो है मतलब ऊपर आपके पास n आता है और नीचे आपके पास r आता है, तो यहाँ पे r की वैल्यू में तो चलो 3 समझ आती है, लेकिन मैम ने n की वैल्यू में 3 क्यों लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको समझा रही थी क्योंकि हमारे पास पोजीशंस भी 3 हैं, इवन नंबर्स की सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास 3 हैं, इसलिए हम n की वैल्यू भी 3 लिखेंगे और r की वैल्यू भी 3 लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि मैम जी मैम ये 6 नंबर पे तो हमारे पास वोवल है, ई है। 6 नंबर पे हमारे पास वो, हाँ जी बिल्कुल 6 नंबर पे हमारे पास वोवल है और जी जो है हमारे पास दैट इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3, और टोटल नंबर ऑफ इवन पोजीशंस कितनी है हमारे पास, 3। देखो इवन पोजीशंस पे तो वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में हम ऑरेंज वर्ड को इस तरीके से लिखें कि वर्ड कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास हैं वो इवन पोजीशंस पे आए। इवन पोजीशंस पे आने का मतलब ही है कि हमारा सेकंड जो अल्फाबेट, सेकंड जो अल्फाबेट है वो भी एक कॉन्सोनेंट हो, फोर्थ अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट हो और सिक्स्थ अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट हो। आप समझ आई, बट माना सिक्स यहाँ पे वोवल है।
सिक्स हमारा वॉवल है, लेकिन इसको शफल करना है ना, इसको परम्यूट ठीक हो करना गया, है, मैं चेंज करना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। अभी ऑरेंज वर्ड इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ओरिजिनल शेप में, इसको परम्यूट करना है, इसके अल्फाबेट्स को आगे पीछे करना है, ठीक है। और आगे पीछे शफल इस तरीके से करना है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर एक कॉन्सोनेंट आए, वोवल ना आए, ठीक है। तो इसलिए हम एन की वैल्यू 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट भी 3 है और इवन पोजीशंस भी 3 है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास 3 है, तो इसलिए हमने एन की वैल्यू 3 लिखी, और पोजीशंस क्योंकि हमारे पास 3 है इवन पोजीशंस, इसलिए हमने आर की वैल्यू 3 लिखी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पे 3 आ गया, और फिर जब हमने 3 फॉर्मूला में जब ये वैल्यू एंटर कर ली, तो आपको याद होगा फॉर्मूला वाज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप अपने फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर लोगे, तो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास एंड में 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। मतलब सारी वो एडिशन सबट्रैक्शन वगैरह सारा कुछ करके आपके पास सिर्फ एक 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को जब आप फाइंड आउट करोगे तो 6 आएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था फैक्टोरियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि फैक्टोरियल में से एक नंबर जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है, जैसे यहाँ पे 3 गिवन है, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से 1 माइनस करके, यानी कि 3 में से 1 माइनस किया क्या आया 2, तो फिर 3 × 2, और फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, तो फिर 3 × 2 × 1। इसी तरीके से अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेते हैं, तो 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरीके से अगर 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल जब हमने लिया, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 6, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रही है कि द 3 वोवल्स फिल द रिमेनिंग 3 प्लेसेस। अब हम अच्छा यहाँ पे बच्चों एक कोइंसिडेंस ये हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वोवल्स भी 3 हैं और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स भी 3 हैं। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास रिमेनिंग 3 पोजीशंस बच जाती हैं, 3 पोजीशंस कौन सी बच जाती हैं, पहली, तीसरी और पांचवी, क्योंकि इवन पोजीशंस तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, कॉन्सोनेंट्स वाले पार्ट में। अब जो 3 पोजीशंस बच जाती हैं, वो ऑड पोजीशंस होंगी, राइट, क्योंकि जो चीज इवन नहीं होती वो ऑड होती है। तो हमने सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को देखेंगे। तो हमारे पास अब बच्चों मजे की बात क्या है कि हमारे पास पोजीशंस अगेन 3 है, ठीक है, और हमारे पास वॉवल्स भी कितने हैं, 3 है। ऐसे ही है क्योंकि आपके वर्ड के अंदर टोटल एलिमेंट 6 थे, तो इसलिए वॉवल्स भी इत्तफाकन तौर पे आपके वॉवल्स भी 3 हैं और आपके कॉन्सोनेंट्स भी 3 हैं, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में उसने क्या किया है, अगेन हमारे पास 3 परम्यूटेशन 3 आ जाएगा, कि एन की वैल्यू की जगह वॉवल्स का 3 आ जाएगा और आर की वैल्यू की जगह पोजिशंस का 3 आ जाएगा, और फिर जब हम अगेन इसको फाइंड आउट करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल पे आ जाएंगे, और 3 फैक्टोरियल को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल परम्यूटेशंस, अच्छा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कॉन्सोनेंट्स की कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पे पोजीशन पे, तो आप लोग कहोगे 6 परम्यूटेशंस, यानी कि ऑरेंज वर्ड को जब हम परम्यूट करेंगे इस तरीके से कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर एक कॉन्सोनेंट होगा, तो वो कितनी दफा परम्यूटेशन हो सकती है, 6 दफा, ठीक है। फिर अगेन अब आप ओवल, मतलब अगर ओवल सॉरी वोवल सारे लोगे, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, जब आप वोवल्स लोगे और वोवल्स को यू परम्यूट करोगे कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर वोवल्स आए, तो कितनी दफा ऑरेंज वर्ड को हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, तो अगेन आंसर आया हमारे पास 6, ठीक है। अब मैं आप लोगों से आखिरी सवाल ये पूछती हूँ कि ऑरेंज वर्ड को टोटल कितनी दफा परम्यूट किया जा सकता है, तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी फाइंड आउट बाय 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑरेंज वर्ड को टोटल 36 टाइम्स परम्यूटेड किया जा सकता है, जिसमें अगर आप इवन नंबर्स पे कॉन्सोनेंट्स चाहते हो तो 6 टाइम
सिक्स टाइम्स परम्यूटेशन होगी, और अगर ऑड पोजीशंस के ऊपर आप वोवल्स चाहते हो तो फिर भी सिक्स टाइम्स परम्यूटेशंस होंगी, और अगर पूरे वर्ड ऑरेंज की परम्यूटेशंस आपने फाइंड आउट करनी है तो फिर 6 × 6 विल बी 36। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया परम्यूटेशंस का। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले। मैम इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दो। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूं? अच्छा, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ये क्वेश्चन मैं भेज देती हूँ अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं कहूंगी सॉल्व करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको इसका कोई ना कोई क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका ना जो ही क्लास एंड होगी तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी कोई सैम्पल क्वेश्चन या कोई एग्जांपल सेंड कर दूंगी। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो रूल काउंटिंग थ्योरी का जो थर्ड रूल है, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या पढ़ा? रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड रूल क्या पढ़ा? परम्यूटेशंस। थर्ड रूल क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशंस। रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परम्यूटेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स काइंडली अपना माइक आप ऑफ कर दें। सैफ तेरा माइक ओपन है, तू बंद कर दे अपना माइक सैफ। अच्छा स्टूडेंट्स, सैफ रहमान अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉम्बिनेशंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि परम्यूटेशन में याद रखने वाली चीज ये है कि आपका जो कलेक्शन होता है वो ऑर्डर्ड होता है, उसका कोई सीक्वेंस होता है, उसका कोई ऑर्डर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशंस में और परम्यूटेशंस में फर्क ये होता है कि इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द सिलेक्शन ऑफ सम ऑफ द गिवन एलिमेंट्स बाय नॉट कंसीडरिंग द ऑर्डर इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन। कि यहाँ पे आप सीक्वेंस को या ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हो, दैट मींस आपका जो कलेक्शन होती है आपके पास एलिमेंट्स की वो अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट वन थिंग, दैट इज द डिफरेंस, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला में थोड़ी सी जो डिफरेंस आ रहा है वो ये कि यहाँ पे अब हमारे पास आर फैक्टोरियल भी आ गया है। पहले परम्यूटेशन के फॉर्मूला में क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, सॉरी एन, हमारे पास परम्यूटेशन फॉर्मूला में क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास अब क्या फॉर्मूला होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चीजें वही रहेंगी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड आर इज द सिलेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट वन टाइम। ठीक है, लेकिन शर्त वही होगी कि आप जो भी सिलेक्ट कर रहे होगे वो किसी सीक्वेंस से सिलेक्ट नहीं कर रहे होगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में ऑरेंज में हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम किसी सीक्वेंस में हम सिलेक्ट कर रहे थे, तो इसमें सीक्वेंस कोई नहीं होगा, कॉम्बिनेशन में वी डोंट हैव एनी सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
प्रॉब्लम नंबर वन, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैविंग 3 एलिमेंट्स. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं और कितने एलिमेंट्स के एक सबसेट होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स का. क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास एक सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक सेट के अंदर मौजूद, और आपने एक वक्त में 3 एलिमेंट्स लेने हैं और उनके सबसेट्स बनाने हैं. अब आप फाइंड आउट के करके बताएं कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं. और ये सबसेट्स का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, आप कोई भी रैंडम 3 नंबर ले सकते हैं. ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले 3 लेने हैं, आखिरी 3 लेने हैं, सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ लेना है, या फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लेना है. नहीं, सीक्वेंस कोई नहीं है, सिर्फ आपने 3 लेने हैं, ये शर्त है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं एक वक्त में, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन से बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स टोटल सेट में कितने हैं, 6, और क्योंकि उसने हमें सबसेट बनाने के लिए कहा है 3 एलिमेंट्स का एक वक्त में, तो हमारे पास अब आर की वैल्यू क्या आई है, 3, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे मैं पुट करवा देती हूँ, एन हमारे पास कितना होगा, 6, और आर हमारे पास क्या होगा, 3. सो एन सी आर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है. इस तरीके से इसमें वैल्यूज डाल जाएंगी. जब आप एन माइनस आर करोगे, ठीक है, जब आप n माइनस आर करोगे, यानी आप 6 माइनस 3 करोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल. तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या होगा, n फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. समझ आइए, पहला 3 इस r का है और दूसरा 3 n माइनस r का, ठीक है. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. जब आप 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे, तो आप खुद फाइंड आउट करके देखो कि आपके पास क्या आंसर आएगा. जो भी आंसर आएगा, उसको आपने 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके उसे डिवाइड करना है, और आपके पास आंसर 20 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया क्वेश्चन. आप लोग मुझसे सैंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो इसकी 3 प्रॉब्लम्स है, ये आप लोगों को मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है. आप लोग ये क्वेश्चंस जो है वो, ये मैं आप लोगों को भी व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है. ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें एज अ प्रैक्टिस, और फिर मुझे रीसेंड करें, ठीक है. तो अभी के लिए आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो समझ आया है. Yes, ma'am. क्या सब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ आ गया? नो मैम, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ. अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. कॉम्बिनेशंस में और परम्यूटेशंस में बच्चों फर्क ये होता है कि परम्यूटेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ऑर्डर में मौजूद होते हैं, किसी सीक्वेंस में मौजूद होते हैं. लेकिन कॉम्बिनेशंस में हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं होता. डेफिनेशन वाइज हमारे पास ये डिफरेंस है, और क्वेश्चन वाइज हमारे पास क्या डिफरेंस आया कि परम्यूटेशन में जैसे हमने ऑरेंज वर्ड वाली एग्जाम्पल की थी, तो उसमें हमने कॉन्सोनेंट्स लिए थे सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन के, यानी कि इवन पोजीशंस के. तो उसमें हमने एक सीक्वेंस से चीज़ों को सिलेक्ट किया था, इसमें हम कोई सीक्वेंस यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि इसके एलिमेंट्स जो है वो अनऑर्डर्ड होते हैं, और जब यू हैव अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स यू कैन नॉट डिटरमिन एनीथिंग. तो उसने हमें क्वेश्चन में शर्त क्या रखी, शर्त ये रखी कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, और आपने 3 एलिमेंट्स एक वक्त में लेने हैं, और 3 एलिमेंट्स लेते हुए आपने सबसेट बनाने हैं. तो आपके जो सबसेट्स होंगे उसमें उसने ये शर्त रख दी है कि एलिमेंट्स तो 3 होंगे सबसेट्स के, लेकिन कहाँ से एलिमेंट लेना है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हुई, ठीक है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने फॉर्मूला के अंदर एन की वैल्यू क्या, आपने क्वेश्चन से क्या आइडेंटिफाई किया, एन की वैल्यू क्या थी, 6, क्योंकि हमारे पास सेट ये जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 6, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 6, और उसने सबसेट बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स का कहा, 3. तो आपको पता चल गया कि हमारे पास n की वैल्यू 6 है, और हमारे पास r की वैल्यू 3 है, ठीक है.
जब आप वैल्यूज पुट करोगे बच्चे, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इस एग्जांपल में बजाहिर आपको वैल्यूज पुट करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके नहीं बताया गया, आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया गया। अगर मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाऊं तो गौर से सुनना, इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसे फ्रैक्शन बनेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब आपने 6 माइनस 3 किया तो आपके पास क्या आया, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या फ्रैक्शन बनेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यू किया है कि आप इसको अपने हाथों से खुद सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया हो कि पहले फ्रैक्शन सॉल्व होगी या पहले मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आप टोटली सॉल्व कर लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आंसर 20 आना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं आपको एज अ क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप लोग करके तो मुझे सबमिट करवा दो। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, जो हमारा लेट मी सी, अगर मेरा लैपटॉप डेड ना हो तो, इसके साथ ही हम कोशिश करते हैं कि अगर नेक्स्ट टॉपिक हो जाए हमारा तो। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब समझ आई है कि कॉम्बिनेशंस बेसिकली क्या चीज है? क्या ये टॉपिक आपको समझ आया है? यस मैम। जी मैम। चलें ठीक है, फिर इसके साथ मैं आज मैम, जो है वो एंड कर रही हूँ। ठीक है जी। जी बच्चे, कुछ क्या नहीं, सवाल पूछ रहे हैं? पूछे क्या, रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इन तीनों टॉपिक्स में से आपको कोई कंफ्यूजन है? नो मैम।